दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इरफान खान और ऋषि कपूर को इस दुनिया से गए हुए अभी एक महीना ही हुआ था कि बॉलीवुड के एक और जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बाजिद खान का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 42 साल के थे। बाजिद खान के निधन से बॉलीवुड में काफी शोक की लहर है। सभी दिग्गज कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी बीच बाजिद खान का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। उन्होंने ये ट्वीट इरफान खान के निधन पर किया था, ठीक एक महीने पहले हुआ था। उस वक्त बाजिद खान ने अपने ट्वीट में इरफान खान को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था, इस आंख में चोले के खेल में हमेशा एक ढूंढता ही रहता है और वो नहीं पास आता जो छुप जाता है। इरफान मेरे भाई, अल्लाह आपको इस सफर इमाम की ताज की आपकी रूह को सुकून मिले, आमीन। वहीं की जिंदगी अल्लाह आसान करे। दोस्तों किसने सोचा था कि इरफान खान के निधन पर ट्वीट करने वाले बाजिद भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आपको बता दें बाजिद की कब्र इरफान खान की कब्र के बिल्कुल करीब बनाई गई है। उनका छोटा सा जनाजा तड़के वहीं पहुंचा जहां 29 अप्रैल को मशहूर अभिनेता इरफान खान को दफन किया गया था। बाजिद खान पिछले साल किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। उनकी रविवार को हालत काफी खराब हो गई थी जिसके लिए उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहीं उनका निधन हो गया। दोस्तों अगर आप बाजिद खान के फैन थे तो इस वीडियो को लाइक करके उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।